भारतीय मौसम विभाग और स्काईमेट वेदर के फॉरकास्ट में इस साल मानसून के अच्छे रहने की संभावना जताई है। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि देश के दक्षिण हिस्से में इस बार भी मानसून में भारी कमी रहने की आशंका है। मौसम विशेषज्ञ स्काईमेट वेदर के मुताबिक इस बार के मानसून को लेकर अच्छी और बुरी खबर दोनों है। अच्छी खबर यह है कि इस बार मानसून अच्छा रहेगा। बुरी खबर यह है कि पिछले दो साल से सूखे के शिकार दक्षिण भारत में इस बार भी मानसून में भारी कमी दर्ज की जा सकती है। मानसून का अच्छा रहना खरीफ की फसल के लिए खुशखबरी है। खरीफ की फसल पूरी तरह से मानसून पर निर्भर करती है। मानसून अच्छा होने का मतलब खरीफ की फसल इस बार बंपर हो सकती है। पिछले मानसून में बाढ़ की चपेट में रहे पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्य इस बार सूखे की मार झेल सकते हैं। यहाँ मानसून में भारी कमी होने की आशंका है। जून और जुलाई में नॉर्मल मानसून रहने के बाद अगस्त और सितंबर में गुजरात भी उन इलाकों में शुमार हो जाएगा जहां मानसून की बारिश में कमी रहेगी। दक्षिण भारत के किसानों के लिए भी फिर से बुरी खबर है। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने तक रहने वाला मानसून सिर्फ जून के महीने में ही दक्षिण भारत पर मेहरबान होगा। बाकी के तीन महीने दक्षिण भारत में मानसून में भारी कमी रहेगी। तमिलनाडु का हाल तो और भी बुरा है। यहाँ तो जून के महीने में भी बारिश के आसार बहुत कम हैं। दक्षिण भारत पिछले दो साल से मानसून की कमी की मार झेल रहा है और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य तमिलनाडु पिछले दो साल से सूखे की चपेट में है। लगातार पड़ रहे सूखे की वजह से दक्षिण भारत के पानी के भंडार भी सूख चले हैं। इस बार फिर मानसून की कमी का असर पानी के इन भंडारों पर पड़ना लाजमी है। वैसे तो देश भर के किसानों की हालत लगातार खराब होती जा रही है, मगर सबसे बुरी हालत तमिलनाडु के किसानों की है। दो साल के सूखे ने उन्हें सड़क पर ला दिया है। अब तीसरे साल का सूखा ये किसान कैसे सह पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सरकारों को किसानों की फिक्र ना पहले थी और ना अब है। यही वजह है कि आए दिन किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसरार अहमद शेख, गो न्यूज़।